चैप्टर है जी हमारा चैप्टर नंबर 11, मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर है और ऑक्सिलरी फंक्शन से मैं शुरू कर रहा हूँ आज, पेज नंबर 118 से। ऑक्सिलरी फंक्शन, द ऑक्सिलरी मार्केटिंग फंक्शन कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड। बेटा ये एनसिलरी होगा, हाँ एनसिलरी ही है, ठीक है एनसिलरी ही, ऑक्सिलरी नहीं है, मैं मदर चाहता हूँ एनसिलरी फंक्शन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ब्रांडिंग, फाइनेंसिंग, रिस्क बेयरिंग एंड फीडबैक इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली हम लोग बेसिक फंक्शन पढ़े, उसके अंदर हमने सबसे पहले एक्सचेंज फंक्शन को पढ़ा था, फिर हमने फिजिकल सप्लाई फंक्शन को पढ़ा था, और अब हम लोग जो हैं ऑक्सिलरी फंक्शन को पढ़ रहे हैं। ऑक्सिलरी फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स दैट द प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड डिस्क्रिप्शन। आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं अपना के अंदर स्टैंडर्डाइज होता है, वो सेम होता है, हर की क्वांटिटी और क्वालिटी सेम आती है, क्वालिटी जो है वो सेम आती है, और जो भी आपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं उन स्टैंडर्ड्स को वो क्वालिटी, वो प्रोडक्ट जो है उनको फुलफिल करता है, यूनिफॉर्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात करें तो टैबलेट्स जो आप बनाते हैं वो तमाम बैच की टैबलेट्स जो हैं वो सेम क्वांटिटी, सेम शेप की होती हैं, सेम क्वालिटी की होती है, सेम वेट की होती हैं, सेम साइज़ की होती हैं। तो ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है जी। इसके बाद सेकंड पैरामीटर जो हमारे पास आता है वो आता है ग्रेडिंग का। ग्रेडिंग इन टू वेल डिफाइंड यूनिट, प्रोसेसिंग सिमिलर करेक्टरिस्टिक, कलर, शेप। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू कंपेंडियल स्टैंडर्ड्स। हमें ये पता है कि हम लोग कंपेंडियल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके साथ हम लोग अपनी ग्रेडिंग जो है वो करते हैं प्रोडक्ट की। तो जो भी प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे वो सारे का सारा प्रोडक्ट जो है वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। तो ऑक्सिलरी फंक्शन में पहला फंक्शन आता है स्टैंडर्डाइजेशन का और दूसरा आता है हमारे पास ग्रेडिंग का। और ग्रेडिंग के लिए, ग्रेडिंग हम कैसे करते हैं अपने प्रोडक्ट की, बाय कंपेयरिंग दैट प्रोडक्ट विद दी ऑफिशियल कंपेंडियाज। द क्रूड ड्रग ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो क्रूड ड्रग से आपको मिल रहा है, तो क्रूड ड्रग जो है और वो वेजिटेबल ओरिजिन की है, तो उसमें अमाउंट में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल हैं वो बताएंगे कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में भी डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ गिविंग अ प्रोप्राइटरी नेम, टर्म, सिंबल और अ डिज़ाइन टू अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। ब्रांडिंग के अंदर क्या करते हैं हम कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को नाम देते हैं ताकि उसको आप कल को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते। ज़्यादा शेप होती है, उसका अलग-अलग नाम होता है, उसका कलर अलग होता है, उसका भी ऑक्सिलरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के अंदर आता है। फिर है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग और कैपिटल इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट हैव अ क्लियर स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंसिंग इज ऑपरेशन। इट इज प्रोडक्शन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, रॉ मटेरियल्स एंड कैरिंग प्रोडक्शन ऑपरेशंस। फाइनेंसिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ऑपरेशन प्रोसेसेस। तो फाइनेंसिंग भी इटसेल्फ जो है वो एक ऑक्सिलरी फंक्शन के अंदर आता है। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं होंगे तो आप मार्केटिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। अ मोर कॉमन डिसीजन मेकिंग कंडीशन इज स्टेट ऑफ रिस्क। रिस्क बेयरिंग भी इटसेल्फ जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग में हम शायद इस पर डिबेट भी कर चुके हैं क्लास के अंदर कि जब तक हमारे पास रिस्क जब तक आप नहीं करेंगे अप्लाई अपनी मार्केटिंग के अंदर, तब तक आप मार्केटिंग परफॉर्म जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो अ मोर कॉमन डिसीजन मेकिंग कंडीशन इज अ स्टेट ऑफ रिस्क। मार्केटिंग प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर रिस्क बेयरिंग इन मार्केटिंग प्रोसेस। मैनी काइंड ऑफ रिस्क आर इन्वॉल्व एट एवरी स्टेज। मटीरियल फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोक्योरमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर फिनिश प्रोडक्ट। ये मार्केटिंग जब भी हम परफॉर्म करते हैं हमारे पास मल्टीपल टाइप का, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था इसके ऊपर कि जब आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग परफॉर्म कर रहे होते हो तो आप उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके ऊपर ज़्यादा पैसा लगाते हो, उसकी आउटलुक को बेहतर करते हो, पैकेज भी बहुत पैसा लगाते हो, फिर तो आपको आगे प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा देना होता ताकि वो आवाम तक जाए। एक तो जब तक आवाम तक नहीं जाएगी, फिर जब अपने डॉक्टर के थ्रू अगर देना है डॉक्टर को इंसेंटिव देना पड़ता है। तो ये सारा कुछ रिस्क बेयरिंग के अंदर आता है, ठीक है। एक्सीडेंटल फायर, थेफ्ट, फूड प्राइस रिडक्शन, चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, नॉन रिकवरी ऑफ क्रेडिट, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज एंड पार्टनर्स एंड स्ट्राइक्स आर फ्यू रिस्क।
जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं मार्केटिंग के अंदर। स्ट्राइक हो सकती है, पार्टनर जो है वो आपको धोखा दे सकता है, प्राइस बढ़ सकती है, कोई डिज़ास्टर आ सकता है। तो ये सारा कुछ जो है ये अल्टीमेटली फिर आपके प्रोडक्ट की जो भी है रिस्क वगैरह जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। फिर लास्ट इसके अंदर आता है फीडबैक इन्फॉर्मेशन, ये भी ऑक्सिलरी फंक्शन है। आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में जा रहा है, मार्केट से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, आप डॉक्टर के थ्रू उसकी मार्केटिंग कर रहे हो तो डॉक्टर क्या की तरफ क्या रिस्पॉन्स है, क्या डॉक्टरों को वो अच्छा लग रहा है, अगर डॉक्टर को पसंद आ रहा है तो क्या आपका प्रोडक्ट जो है उसकी क्वांटिटी भी आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट भेजते हैं तो उस प्रोडक्ट को आप फीडबैक ज़रूरी होता है कि मार्केट में क्या ज़रूरी तौर पे जो इफ़ेक्ट आप चाह रहे हो क्या उसे आपको मिल रहा है। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर उसका फीडबैक अच्छा है तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दोगे, और अगर फीडबैक उसका अच्छा नहीं है तो उसकी क्वांटिटी फिर आपको मार्केट या तो आपको उसको री एडवर्टाइज़ करना है, री मार्केट करना है ताकि वो बेहतर हो सके, या आपको क्विट कर देना उसको। ठीक है जी।